हम पुआ बना रहे हैं। आज होली का त्यौहार है। ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है, ये आधा किलो का पैकेट है। आधा किलो मैदा मैंने लिया है और इसमें चार केले, एक कटोरी चीनी और दूध एक कटोरी डाल के मैंने मिक्सी में पीस लिया है। इसे मैं डालकर घोलूँगी। मैं डाल के घोलती हूँ। इसमें और भी दूध डाल के घोल लूँगी। ये मैंने दूध रखा है, दूध डाल के घोल के पतला घोल तैयार कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिला लेना है फ्रेंड्स। अब मैं थोड़ा मिला लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें और दूध डाल रहे हैं फ्रेंड्स। इस कटोरी से तीन कटोरी दूध अभी तक मैंने डाला है, और ज़रूरत होगा तो और डालेंगे। देख लेते हैं घोलकर। मेरा घोल तैयार हो गया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। इस कटोरी से लगभग तीन कटोरी दूध से घोल तैयार किए हैं। एक कटोरी केला में डालकर पीसे थे और दो कटोरी से घोले। ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर। ये मेरे चार इलायची कूट के रखे हैं, इसे मैं डाल देती हूँ। और ये काजू को मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इसे मैं डाल रही हूँ। और ये किशमिश है, इसे भी डाल रही हूँ। सबको डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे फ्रेंड्स, और इसे एक घंटे तक ढक के रख देंगे। एक घंटे में यह अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद पुआ बनाएंगे। अब मैं पुआ बनाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इसे मैं अब ढक कर रखती हूँ। फ्रेंड्स, बैटर बनाए हुए डेढ़ दो घंटे हो चुके हैं। कम से कम एक घंटे तक इसे अवश्य ही घोल कर रखें। मेरा डेढ़ दो घंटा हो चुका है। अब मैं पुआ बनाती हूँ। चलिए पुआ बनाते हैं। हाँ, अब मैं पुआ बना रही हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरा पुआ बन रहा है, और ये खिल रहा है, ऊपर आ गया है। इसे मैं पलट देती हूँ। थोड़ा सा ब्राउन होने तक इसे रखूँगी, फिर मैं निकाल लूँगी। फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा तेल घी को निचोड़ लेंगे यूँ, ताकि पुआ में ज़्यादा तेल नहीं रहे। इस तरह से एक कलछी लेकर इसे निचोड़ लेंगे और सारे तेल को निकाल लेंगे। और अब मैं इसे एक प्लेट में रख रही हूँ, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप लोग भी पुआ बनाएं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।